हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम लेकर आए एक बार फिर से आपके लिए व्यंजनों के भेद। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना व्यंजनों के भेद। उससे पहले जबकि हम ये व्यंजन के भेद के बारे में पढ़ें, तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, कल की क्लास में हमने पढ़ा था व्यंजन, है ना। हमें ये पता है कि व्यंजन क्या होते हैं, क्योंकि मैंने आपको उससे पहले क्लास बताया था कि भाई वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, और व्यंजन वो जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो आज हम उन्हीं स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजनों के भेद को जानेंगे और उसे हम समझेंगे। तो वेद के जो है दो सॉरी जो व्यंजन होता है उसके दो भेद होते हैं, एक है अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, ये व्यंजन के दो भेद होते हैं। अभी हम देखते हैं व्यंजनों के भेद। श्वास प्राण वायु की मात्रा के आधार पर वर्ण भेद। किसके आधार पर? प्राण वायु की मात्रा के आधार पर, यानी कि हम जो सांस लेते हैं ना, हम सांस लेने के लिए क्या है, वायु हमारे अंदर जाती है और बाहर आती है, तो कितनी वायु अंदर जाती है या फिर कितनी बाहर आती है, उसके आधार पर हम वर्णों का भेद आज जानेंगे और समझेंगे। प्राण का अर्थ है वायु, क्योंकि बिना सांस लिए हम जीवित नहीं रह सकते। जब वायु हमारे अंदर जाती है फिर हम उसको बाहर भी छोड़ते हैं, तो यही है प्राण वायु का अर्थ। व्यंजनों का उच्चारण करते समय बाहर आने वाली श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद हैं। किसके आधार पर हैं? हम जो सांस लेते हैं, सांस लेते समय जो वायु अंदर जाती है ना, बाहर आती है, उसके आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं, जिसमें कि पहला है अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, ये जो है दो भेद हैं। ये दो भेद हैं किसका? उच्चारण करते समय बाहर आने वाली श्वास वायु की मात्रा के आधार पर। जब हम उच्चारण करते हैं, जब हम बोलते हैं, तो जो वायु है हमारे मुख से बाहर आती है, तो कितनी मात्रा बाहर आती, किस वर्ण के उच्चारण के समय ज़्यादा वायु बाहर आती, किस वर्ण के उच्चारण के समय जो कम वायु आती है ना, तो उसके आधार पर हम जो है व्यंजनों के दोनों भेदों को जानेंगे, जो कि है अल्प प्राण और महाप्राण। ये जो है दो भेद हैं व्यंजन के। तो अब हम समझते हैं, पहले अल्प प्राण, ये है अल्प प्राण व्यंजन। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि अल्प का मतलब होता है कम, है ना। अल्प का क्या मतलब होता है? कम। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की सामान्य मात्रा रहती है और हकार जैसी ध्वनि बहुत ही कम होती है, वे अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो अल्प प्राण कहलाते हैं, यानी कि इसमें कम वायु होती है। अब इसको समझते हैं ध्यान से कि जिन वर्णों के उच्चारण में, यानी कि जिन वर्णों को बोलते समय, जब हम उनको बोलते हैं उस समय वायु की सामान्य मात्रा, यानी वायु जो हम बोलते हैं मुंह से, तो हवा जो है वायु मुंह से बाहर निकलती है, तो उसकी जो मात्रा, जो किसकी, वायु की जो बाहर निकलती है, तो वो जो मात्रा है कितनी बाहर निकल, बिल्कुल नॉर्मल रहती है, सामान्य रहती है, यानी कि सभी वर्णों को बोलते हैं जब लगभग एक बराबर सी वायु जो बाहर आती है, एक सामान्य मात्रा में बाहर आती है, और उसमें हकार जैसी ध्वनि बहुत ही कम होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में जो वायु है कम बाहर निकलती है, कम बाहर आती है, उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन उसे हम कहते हैं, जिसमें कि वायु कम, यानी अल्प, अल्प यानी कम, कम मात्रा में बाहर आती है, उसे हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अब इसको और भी आसान शब्दों में समझते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। किसको कहते हैं? जिसमें कम मात्रा में बाहर आती है श्वास वायु, कम मात्रा में बाहर आती है, उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। यानी कि जिन व्यंजनों को बोलते समय, जब हम बोलते हैं व्यंजनों को उच्चारण करते हैं, क ख, तो जब इनको बोलते हैं तो जो वायु है ना कम निकलती, उसे हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अब इसको हम और समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग का
पहला, तीसरा और पांचवा। ये वर्ग कौन से जो मैंने आपको बताए थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये मैंने आपको वर्ग बताए थे। ये उन्हीं वर्गों की बात हो रही है यहाँ पर, क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग। तो इन जो पांचों वर्ग हैं, ये इन पांचों वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वो अल्प प्राण व्यंजन है। कौन सा है वो? अल्प प्राण किसका? इन पांचों ही वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वो अल्प प्राण व्यंजन है। जैसे कि क वर्ग में देखिए क्या क्या ये है, पहला होता है क, फिर ग और फिर अंगा, ये किसके है? क वर्ग के। इसी तरह से अगर हम च वर्ग देखते हैं तो च वर्ग में ये तीनों ही है, पहला, तीसरा और पांचवा। अगर हम ट वर्ग देखते हैं तो ट वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा। इसी तरह से अगर हम त वर्ग देखते हैं तो ये भी पहला, तीसरा और पांचवा, और प वर्ग में ये भी पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है, यानी कि हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन है वो क्या है? अल्प प्राण व्यंजन है, वो अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। यानी कि इन पहला, तीसरा और पांचवा, जब इन व्यंजनों को बोलते तो जो वायु है वो कम मात्रा में बाहर निकलती है, इसीलिए इसे हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इसी तरह से अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व भी अल्प प्राण ही है। मतलब इन पांचों वर्गों के तीन तीन के अलावा ये जो य, र, ल, व है ये भी क्या है? अल्प प्राण व्यंजन है। ये यार अलावा अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण व्यंजन है। अब हम इसके बाद देखते हैं महाप्राण, महाप्राण व्यंजन जिनके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। किसे कहते हैं महाप्राण? जिसमें जो ध्वनि है वो विशेष रूप से निकलती है, यानी कि अधिक निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। जिसमें जब जिन वर्णों को बोलते हैं, इसमें जो वायु हमारे मुख से विशेष रूप से निकलती है, अधिक निकलती है, उसे हम महाप्राण कहते हैं। महा यानी ज़्यादा, अर्थ मतलब कम, तो यहाँ पर महा का अर्थ क्या हो गया? ज़्यादा यानी अधिक, अधिक में इसका जो अर्थ है महा का। तो जिनके उच्चारण में अधिक वायु निकलती है उसे हम महाप्राण कहते हैं। अब इसी को अगर हम और आसान से शब्दों में समझते तो हम क्या कह सकते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प प्राण की तुलना में कुछ अधिक निकलती है और ह जैसी ध्वनि होती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों को उच्चारण यानी उनको बोलते समय श्वास वायु जो हम बोलते हैं, मुझसे जो वायु मुझसे बाहर निकलती है वो अल्प प्राण की तुलना में, अल्प प्राण जो हमने व्यंजन बोलते हैं कम मात्रा में वायु बाहर निकलती, उससे ज़्यादा वायु निकलती है बाहर, क्या निकलती? अधिक निकलती है ना, और ह जैसी ध्वनि होती है, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। जिसमें ज़्यादा वायु निकलती, अल्प प्राण से ज़्यादा वायु निकलती, उसे हम महाप्राण कहते हैं। और यहाँ पे क्या होती है? ह जैसी ध्वनि यानी ह जैसी आवाज़ हमें आती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण है। हमने देखा था कि अल्प प्राण में क्या था कि पहला था, तीसरा था और पांचवा जो था व्यंजन ना वो क्या था? अल्प प्राण था। अब इसी तरीके से अब क्या बच गया हमारे पास? यहाँ पे देखिए दूसरा और यहाँ पर बच गया चौथा। तो ये क्या हो गया जो बच गया? ये हो गया महाप्राण। जो पहला और तीसरा पांचवा था वो अल्प प्राण व्यंजन है, उसके बाद जो बचा था वो सारा महाप्राण व्यंजन है। तो महाप्राण व्यंजन को हम देखते हैं किसका? दूसरा और चौथा और फिर पूरा का पूरा ऊष्म वर्ण क्या है? महाप्राण है। ऊष्म जिसमें गर्भ से श, स, ह, ना ये क्या है? महाप्राण व्यंजन है। अब इसको हम समझे दूसरा और चौथा कैसे हो गया? जैसे ये ख और घ, छ और झ, ठ और ढ, थ, ध, फ और भा। अब हम इनको समझते हैं। हमने बोला क यहाँ पे क्योंकि पहला था, हमने बोला क और ख, तो देखिए दोनों में जो मुंह से बोलने से वायु किसमें ज़्यादा किसमें कम निकलती, जब इसको बोलते तो हमें एहसास होता, हमें पता चलता है। अब आप सुनिए ध्यान से, क ख, क में जो वायु कम मात्रा में निकल रही है, ख बोलते हैं वायु जो अधिक मात्रा में निकल रही है, तो जिसमें कम मात्रा में वायु निकलती है वो अल्प प्राण और जिसमें अधिक वायु में निकलती है वो महाप्राण, क ख। इसी तरह से अगर हम ग बोलते हैं, ग
और घ, तो गा में क्या है कम मात्रा वायु निकलते इसलिए वो अल्पप्राण है, और घ में ज्यादा निकलते तो वो महाप्राण है। तो आप समझ गए कि अल्पप्राण और महाप्राण में वायु जो किस तरीके से हमारे मुख से बाहर आती है, किसमें कम आती है किसमें ज्यादा आती है। जिसमें कम आती है वो अल्पप्राण, जिसमें अधिक निकलती है वो महाप्राण। यह भी हमने देखा कि दूसरा और चौथा जो है व्यंजन कैसे महाप्राण है, और उष्म व्यंजन भी सारे के सारे क्या है महाप्राण है। जैसे कि श, स, स और हा, इनको बोलते इसमें जो वायु है वो अल्पप्राण, अल्पप्राण से अधिक वायु बाहर निकलती है इसीलिए क्या ये महाप्राण है। अब संक्षेप में अल्पप्राण वर्णों की अपेक्षा महाप्राणों में प्राण वायु का उपयोग अधिक श्रम पूर्वक करना पड़ता है। श्रम पूर्वक यानी इसमें ज्यादा बोलना पड़ता है। अल्पप्राण में कम इसमें मतलब क और खा, तो दोनों में जो वायु कम और ज्यादा में बोलकर एहसास होता है, सुनने से पता भी चल जाता है कि किसमें कम मात्रा में वायु निकल रही है किसमें ज्यादा मात्रा में। जैसे हमने बोल दिया क और ख, तो यहाँ पे हमें अधिक मेहनत लगी ना, हमें ज्यादा श्रम करना पड़ा। तो इसका क्या है कि अल्प प्राण वर्णों की अपेक्षा महाप्राण वर्णों में हमें अधिक मेहनत करनी पड़ती है, अधिक बोलना पड़ता है। यहाँ पे हमारे अधिक जो है श्रम नजर आता है अल्पप्राण में महाप्राण में, यही दोनों में डिफरेंस है। तो अब आपको पता चल गया कि व्यंजन क्या होते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं वो होते हैं व्यंजन। अब हम यहाँ पे व्यंजन के भेद देखते हैं। व्यंजन के दो भेद होते हैं, एक अल्पप्राण और एक महाप्राण। पहला अल्पप्राण और दूसरा महाप्राण। अल्पप्राण वो होता है जिसको बोलते इसमें जो वायु है मुख से कम बाहर आती है ना, जिसे कम से कम बाहर आती है वो कहलाता है अल्पप्राण व्यंजन, जिसमें कि प्रत्येक वर्ग का क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन पांचों वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा, ये पहला, ये तीसरा और ये पांचवा, ये लगे क ख ये सब जो है हर एक वर्ग का जो पहला तीसरा पांचवा होता है वो अल्पप्राण व्यंजन होता है। और क्या अंतस्थ व्यंजन का भी यार अलावा अल्पप्राण व्यंजन, क्योंकि इनको बोलने में जो वायु है हमारे मुख से कम बाहर आती है इसीलिए इसको अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। और दूसरा है महाप्राण। महा मतलब ज्यादा, यहाँ पर गया महा का मतलब अधिक के अर्थ में लिया है ना, अधिक के अर्थ में कि ज्यादा के लिए। तो जिन व्यंजनों को बोलते इसमें जो वायु है वो ज्यादा बाहर निकलती है ना, और क्योंकि ह की वजह से ह वाली आवाज आती है, जैसे ख, घ, छ, थ, जब इनको बोलते हैं तो हमें क्या ह की आवाज सुनाई पड़ती है, ह की ध्वनि जो है पता चलती है, इसीलिए इसको महाप्राण व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसको बोलते इसमें अल्पप्राण की तुलना में अधिक वायु बाहर निकलती है, इसीलिए क्या कहते हैं हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन भी क्या है महाप्राण व्यंजन है, और अल्पप्राण की अपेक्षा महाप्राण में हमें अधिक श्रम करना पड़ता है, क्योंकि अल्पप्राण में कम वायु बाहर आती है महाप्राण में अधिक वायु बाहर आती है। तो अब आप अच्छे से समझ गए कि व्यंजन क्या है, उसके भेद क्या है, और दोनों को हम कैसे समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि व्यंजन के भेद आप अच्छे से और आसानी से समझ गए हैं। तो इस आज की इस क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे बेनिफिट ये होता है कि अगर सब्सक्राइब कर लेते तो जब भी हम कोई नया वीडियो डालते हैं ना तो आपको नोटिफिकेशन चली जाती है और आपको पता चल जाता है कि आज की इस क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, क्या नया सीखेंगे, क्या नया हम जानेंगे। और दूसरी बात कि इन वीडियोज़ को बार बार देखने के बाद आपके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर भी हो जाता है, और आपके फ्रेंड जिन्हें हिंदी व्याकरण समझने में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो उसे शुरू से एकदम अंत तक बड़े ही ध्यान से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और उनकी जो परेशानी है हिंदी व्याकरण को लेके वो भी अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और अपने सभी जानकारों के साथ। इसी तरह देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अभियान। मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।